राम मंदिर अब बना हुआ है, किसे आप इसे श्रेय देंगे? देखिए, 500 सालों का संघर्ष रहा है, जाने कितने राजा, जाने कितने सैनिक इसके लिए खेत हो गए, 3 लाख से अधिक लोगों ने आत्मोत्सर्ग किया है। के नैयर जो कभी कलेक्टर थे, उन्होंने 22-23 दिसंबर की रात्रि में वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी, उसमें सहयोग किया था, उनको श्रेय नहीं जाएगा? उसी तरह से रामचंद्र परमहंस और दूसरे जिन महात्माओं ने वहाँ पर मूर्ति ले जा करके रात को रखी थी और भगवान को विराजमान किया था, उनको श्रेय नहीं जाएगा? जो अभिराम दास निर्मोही अखाड़े के, जिन्होंने वहाँ पर मेला लगवाना शुरू किया, जिन्होंने वहाँ पर चबूतरा बना करके वहाँ पर भगवान श्री राम का संकीर्तन शुरू किया, इसके लिए संघर्ष तारी किया, उनको श्रेय नहीं जाएगा? जब जो कार सेवक आए वहाँ पर, उन्होंने ढांचे को ढहा करके जो पुरातात्विक उत्खनन है उसका मार्ग प्रशस्त किया, उनको श्रेय नहीं जाएगा? जो नरसिंहा राव वहाँ पर मिलिट्री लगा करके वहाँ पर तंबू तानने का अवसर देते हैं, उसमें सीढ़ियाँ बनाने का अवसर देते हैं, वहाँ पर मूर्ति मंगवा करके, जो मूर्ति गायब हो गई थी, दूसरी मूर्ति राजा साहब के घर से ला करके 4 भाइयों की वहाँ स्थापित करके पूजा अर्चना करने का अवसर देते हैं, उनको श्रेय नहीं जाएगा? नरेंद्र मोदी को देंगे? उसी तरह से, अब तो हम तो सिक्वेंस में आ रहे हैं, लेकिन आपको तो धैर्य नहीं है, आपको तो नरेंद्र मोदी का केवल सुनना है, बाकी कुछ आपको बाकी तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। प्रश्न कर रहा हूं, जो मौजूदा आज की मीडिया का यही नियम है कि उनको नरेंद्र मोदी की सिवाय कोई बात करो उनको सुनना ही नहीं है। राम जन्मभूमि का आप पूछते हैं किसको श्रेय जाएगा, हम एक सिलसिलेवार 500 साल से लेकर के बताते आ रहे हैं, अगर आप धीरज रखते तो नरेंद्र मोदी का भी नाम बिल्कुल आता, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन आपको धीरज ही नहीं है मौजूदा समय में, क्योंकि आप नरसिंहा राव जी का आपने जिक्र किया तो मुझे लगा मौजूदा समय के जो भाई नरसिंहा राव का हमने सिक्वेंस में नाम लिया, एक एक घटना के बाद हम नाम ले रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी का ही सुनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी का भी श्रेय है, श्रेय यह है कि उन्होंने मंदिर बनाने में रुचि ली, प्रतिष्ठा करने के लिए आयोजन करना चाहते हैं, उनका भी अपना श्रेय है, और बाकी कई हम जिनका कहना चाहते हैं उनका छूट गया। नहीं, आप कई हम नहीं कहना चाहेंगे।